हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ होंडा SP125 डिक्स बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग होंडा SP125 बाइक खरीदना है अभी के समय में RTO प्लस इंश्योरेंस आधा चार्जेस सभी टैक्स मिला के इस बाइक का ओनर प्राइस एक्सोरूम प्राइस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है तो डॉक्यूमेंट लोन अमाउंट में कैलकुलेट करके आप लोगों को सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आए तो क्लिक कर देना, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बाइक का प्राइस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस बाइक के शोरूम प्राइस होगा 90,293 रुपीज। RTO अमाउंट आपको देना होगा 9,329 रुपीस। इंश्योरेंस चार्ज आपको देना होगा 6,288 रुपीस। सभी टैक्स मिला के इस बाइक का ऑन द प्राइस होगा 1,05,910 रुपीस। आपका पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट आपने का 30,000, लोन अमाउंट बनता है 75,910 रुपीस। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। मैंने उसका टाइम लिया 36 मंथ 3 ईयर के लिए। पर मंथली ईएमआई निकल कर आएगा 2,500 रुपीस पर मंथली पे करना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग इस बाइक को दिल्ली से लेना है तो ऑनर प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,06,400 रुपीस। मुंबई में ऑनर प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,07,500 रुपीस। जयपुर में ऑनर प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,06,300 रुपीस। पटना बिहार में ऑनर प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,07,200 रुपीस। झारखंड रांची से ऑनर प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,05,600 रुपीस। कोलकाता में प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,01,099 रुपीस। आसाम गुवाहाटी सिलचर से प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,05,100 रुपीस। त्रिपुरा अगरतला में प्राइस देखने को मिल जाएगा 1,05,500 रुपीस। दोस्तों, अगर आप लोग इस बाइक को अदर सिटी से खरीदना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।